हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। मेरिट के बेस पर अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं जीएनएम का, तो फॉर्म आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ये यूपी का फॉर्म है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। आज मैं आपके सामने कॉलेज की लिस्ट को शेयर करूँगी, ठीक है। कट ऑफ कितनी रहेगी इसके बारे में बात करेंगे, फीस कितनी रहेगी ये भी आपके साथ में संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इससे पहले ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जानना, ठीक है। पता चला बाद में आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि आप एडमिशन लेने जा रहे हो, क्या ये सही है आपके लिए कि नहीं है, ठीक है। आपकी जो कट ऑफ है वो भी आप जान लीजिए, किस तरीके से आपकी कट ऑफ पिछली बार गई थी और इस बार जो जाने वाली है वो भी आपको हम शुरू से लास्ट तक बताएंगे। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कॉलेज की लिस्ट मैं वहाँ पर भेज दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आईडी मेरी इंस्टाग्राम की है RAJSP371 पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे क्लियरली वहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको शुरू से थोड़ा सा समझना होगा कि आप जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यानी कि आप एडमिशन के लिए फॉर्म डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ हाई स्कूल प्लस यहाँ पर ट्वेल्थ के मार्क्स जो भी आपके मिला करके मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपकी परसेंटेज निकाली जाएगी, ठीक है। उसके ही अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉलेज को अलॉट किया जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम देना आपको नहीं पड़ेगा। काफ़ी बच्चे डाउट में रहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एंट्रेंस आपको नहीं देना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है कि मैम ये फॉर्म हम भर तो रहे हैं लेकिन हम भरेंगे कहाँ से, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको नोट कर देती हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए कहीं पर। नेम है, आप नोट कर लीजिए, dgmuh.up, ठीक है, .in भी आप लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना ही क्रोम ब्राउज़र पर सर्च कर लीजिए तब भी आपकी ओरिजिनल वेबसाइट ओपन हो करके आ जाएगी। देखिए आजकल जो है मैं लॉगिन भी कर रही हूँ इस आईडी यहाँ पर जो ये लिंक दिया हुआ है इसको मैं ओपन भी कर रही हूँ। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कभी कभी ओपन हो जा रही है, कभी कभी नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रश चल रही है तो कंफ्यूज ना हो और परेशान ना हो, ठीक है। तो ये तो रही आपकी जो साइट है, किस साइट पर आपको जा करके लॉगिन करना है, अपना चेकआउट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मैम यहाँ पर हम फॉर्म भर सकते हैं जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, उनका क्वेश्चन होता है। तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए 10% सीट का रिजर्वेशन है और यहाँ पर 15% रिजर्वेशन उनके लिए है जो कि आप अगर NHNRM, ठीक है, NHM और UHD से आप 5 साल का एक्सपीरियंस अगर ले चुके हैं, ठीक है, तो आपके लिए 15% का आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए ओनली 10%, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं जो मेल कैंडिडेट हैं, तो बेफिक्र होकर के फॉर्म भरिएगा। आप टोटल सीट यहाँ पर देखिए कितनी है, ठीक है, तो हम GNM की बात कर रहे हैं तो GNM में जो टोटल सीट है वो आपकी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 453 सीटें टोटल आपकी यहाँ पर हैं। अगर आप चलिए थोड़ा सा ANM के बारे में भी मैं बता देती हूँ, तो ANM की यहाँ पर सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अभी जब भी कभी फॉर्म आएंगे तो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है। 2400 सीटें जो हैं आपकी ANM की है। तो आज का जो टॉपिक है वो GNM के ऊपर है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी सीटें GNM की है वो 453 हैं, 453 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर फॉर्म आप फिलअप करने जाओगे तो फीस कितना रहेगा आपके लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर 200 रुपये फ़ी पे करना होगा। अदरवाइज़ आप SC ST हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना देना होगा, ओनली 100 रुपये फ़ी पे करना होगा, ठीक है। तो फ़ी जो आप पे करेंगे या तो आप इंटरनेट बैंकिंग से कर लीजिए या फिर आप डेबिट कार्ड से कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का जो पेमेंट होगा वही यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट ही कर पाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही फीस की बात है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, 17 से लेकर के 35 के बीच में है तभी आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 35 से ज़्यादा एज के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते, ठीक है। तो इसका भी आप अच्छी तरीके से अपने
सोच लीजिए, समझ लीजिए, अगर आप 35 से पहले से हैं तो आप कर लीजिए, अगर आप ज़्यादा एज हो गई है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होगा PGMHUP, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि आपके जो हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स को मिला करके आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरिट के बेस्ड पर आपका सिलेक्शन है तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो समझ लीजिए, मान लीजिए आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स आप कवर किए हो तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपने अगर 75 के प्लस आपने मार्क्स कवर किए हैं, ठीक है, या तो 75 मान लीजिए या फिर 78 मान लीजिए, ठीक है, इसके प्लस अगर आपने किए हैं तो आपका डेफिनेटली स्कोर अच्छा रहेगा। OBC की अगर बात की जाए तो आप यहाँ से 73 मान के चलिए, थोड़ा ज़्यादा ही अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर मतलब नहीं आएगा, थोड़ा ही अंतर आएगा, 73 से लेकर के आप 80 मान सकते हैं, ठीक है। इसका तो 80 भी नहीं मानिए तो आप 78 तक आप इसको रखिएगा, तब भी आप अगर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, अगर इतना भी आपका मार्क्स रहेगा तो। अगर SC ST की बात की जाए यहाँ पर तो SC ST की ज़्यादा नहीं, ठीक है, SC ST अगर 70 प्लस भी हैं आप तब भी आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको शेयर करने वाली थी आपके साथ में, लिस्ट, ठीक है, कॉलेज की लिस्ट क्या रहेगी, कौन कौन से नेम्स हैं, तो आइए चलिए देख लेते हैं। जैसे आप देख ही सकते हैं कि आपके स्कूल ऑफ नर्सिंग UHM हॉस्पिटल कानपुर नगर में आपकी 35 सीटें हैं, उसके बाद में स्कूल ऑफ नर्सिंग LLR हॉस्पिटल में आपकी यहाँ पर 67 सीटें हैं, ठीक है। या नर्सिंग स्कूल SRN हॉस्पिटल में प्रयागराज में आपकी 54 हैं। नीचे आप देख लीजिए, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये सीट का मैट्रिक्स है, आप अच्छी तरीके से नोटिस कर लीजिए, टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने जो भी यहाँ पर कॉलेजेस के नेम्स हैं, कितनी कितनी सीटें हैं, सब कुछ ब्यौरा मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कितना कट ऑफ रहेगा, कॉलेज के नेम्स क्या हैं और आप उसके बाद में कितनी सीटें आपकी खाली हैं, कट ऑफ क्या जाएगी, सभी कुछ आपके साथ में मैंने शेयर किया है, आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखा करें तभी आप अच्छे से हर चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना।